नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, नीट का एग्जाम हो चुका है और आप जानते हो मेडिकल के तमाम कोर्सों में एडमिशन लेने के लिए आपका नीट क्वालिफाइड होना बहुत जरूरी है। चाहे आप टॉप कॉलेज BSc नर्सिंग में एडमिशन लो, आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, डेंटल में, वेटनरी में, आयुर्वेद में या फिर आउट ऑफ इंडिया जाने के लिए आपका नीट क्वालिफाइड होना कंपलसरी है। अगर आप किसी भी कारणवश नीट क्वालिफाइड नहीं हो तो इन कोर्सों में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा लास्ट ईयर क्या क्वालिफाइड कट ऑफ रही थी, इस बार क्वालिफाइड कट ऑफ रहने की संभावना क्या है। दोस्तों देखो, लास्ट ईयर जो नीट का एग्जाम का स्टैंडर्ड था उसमें थोड़ा फिजिक्स को लेंथी बताया जा रहा था, इसके अलावा केमिस्ट्री और बायो आपकी इजी रही थी। इस बार दोस्तों फिजिक्स को इजी बताया जा रहा है, थोड़ा सा केमिस्ट्री को मॉडरेट और बायो को थोड़ा लेंथी बताया जा रहा है। तो तुलना की जाए तो दोनों एग्जामों के स्टैंडर्ड में कोई खास परिवर्तन नहीं आया है। इसके अलावा दोस्तों, लास्ट ईयर स्टूडेंट्स की संख्या कम थी, इस बार थोड़ी स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ी है। तो स्टूडेंट की संख्या बढ़ने के साथ साथ तमाम मेडिकल कॉलेजों में सीटें भी बढ़ी हैं। तो अपन रेशियो निकालें टोटल मेडिकल कॉलेज में सीट बटे स्टूडेंट्स, तो लास्ट ईयर और इस ईयर में कोई खास परिवर्तन नहीं है। दोस्तों लास्ट ईयर SC ST OBC जो 40% है उसके लिए 93 कट ऑफ रही थी। अगर इस बार बात करें तो स्टूडेंट्स ने अधिक मात्रा में NCERT पढ़ी है, तो यहाँ तक मुझे संभावना लग रही है। अगर आपके दोस्तों 100 नंबर से ऊपर हैं तो आप इन कैटेगरियों में आ रहे हैं तो आप 100% क्वालिफाइड हो जाओगे। दोस्तों लास्ट ईयर EWS कैटेगरी और जनरल कैटेगरी की जो क्वालिफायर मार्क हैं वो 117 रहे हैं। अगर इस बार दोस्तों आपके 120 प्लस नीट में मार्क्स आएंगे तो आपके क्वालिफाइड होने की संभावना कन्फर्म है। इसके अलावा दोस्तों ये एक अपडेट थी, बाकी आपने अगर आंसर किसे मिला लिया है और आप इस रेंज में आ रहे हैं तो अपने आप को क्वालिफाइड समझें। हालांकि इसमें भी एक दो नंबर का उतार चढ़ाव आ सकता है। मैं कजाकिस्तान से MBBS कर रहा हूँ, यहाँ की कला, संस्कृति, ज्योग्राफी, भूगोल को वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करता हूँ। अनदर YouTube चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।